माता पिता से बढ़कर बच्चों के लिए कोई नहीं होता, पर जब वही बच्चे रिश्तों का खून करते तो किस पर भरोसा किया जाए। माता पिता और बच्चों के रिश्ते को आदर्श बनाने की कोशिश आपको हर कहीं देखने को मिल जाएगी, लेकिन आज हम आपको ऐसी चौंका देने वाली घटना बताएंगे जिससे आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, यह खबर नरेला की है, जहाँ एक बेटे ने अपने ही पिता को गोली मार कर उसकी हत्या कर दी और बाद में खुद पुलिस को फोन किया और सारी वारदात के बारे में बताया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जाँच शुरू कर दी है। वारदात नरेला इलाके की है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान मुन्ना खान के रूप में हुई है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल पिस्टल और कारतूस का खोल मौके पर से जब्त कर लिया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। पुलिस को यह सूचना दी कि मैंने अपने सौतेले पिता की गोली मार कर हत्या कर दी है, जो यहीं पर कमरे में पड़ा हुआ है। जानकारी के मुताबिक PCR को शुक्रवार शाम करीब 6:30 बजे Sector 20B4 में गोली चलने की सूचना मिली। पुलिस मौके पर पहुंची। कमरे में फर्श पर अनिल उर्फ अनीस खून से लथपथ हालत में पड़ा था। अनीस की उम्र तकरीबन 50 साल थी। वहीं उसका सौतेला बेटा मुन्ना खान खड़ा हुआ था, जिसके कपड़ों पर खून लगा था। पास ही कारतूस का खोल पड़ा था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में भेज दिया है, जबकि मुन्ना को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। मुन्ना की बहन आसिया ने बताया कि मुन्ना चाय की दुकान चलाया करता है। वह शादीशुदा है, जबकि पिता अनिल का इलाके में ढाबा है, लेकिन वो शराब पीने के आदि थे। शराब पीकर घर आते ही वो माँ से छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते थे, जिसका विरोध भाई मुन्ना करता था। बीच बचाव में पिता भाई से भी हाथापाई किया करता था। वारदात की शाम को भी किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। हाथापाई के बीच मुन्ना कमरे से पिस्टल निकाल कर लाया और पास से गोली मार दी, जिससे पिता की मौके पर ही मौत हो गई थी। भाई ने अपने फोन से पुलिस को फोन कर बताया कि मैंने अपने पिता को गोली मार दी है, वह मर गया है, जिसके बाद पुलिस आई थी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मुन्ना ने कुछ ही दिन पहले अपने जानकार से बिहार से पिस्टल और कारतूस मंगवाए थे, जिसके बारे में पता कर उसको भी पकड़ने की पुलिस कोशिश कर रही है। नहीं, हत्या जो की है, जिसका मर्डर हुआ, वो क्या लगते हैं इनके? मेरा भाई है, मेरा भाई है, लड़के का बाप। सोतेला लड़का था? नहीं, मेरा भाई है, मतलब सोतेला बाप है मेरा। हाँ, बाप सोतेला था। हाँ, तो इसके और भी बच्चे हैं या यही थे? हम लोग हैं, इतनी शादी हो गई, अपने घर है। तीनों सोतेले हो? हाँ। तो उसकी खुद की कोई औलाद नहीं थी? झगड़ा किस बात पर होता था? लोग मारता पीटता था, कहता था तू चल कर काम कर, तू कमा, हमें घूमूंगा। लड़का? नहीं, मेरा बाप। बाप बोलता था? हाँ। कितनी उम्र है बाप की? बाप की तो पता नहीं, 3 साल में तो शादी शुदा हूँ। 60 साल होगी? उसके पापा भी नहीं बता सकती सर। मेरे बच्चे हैं, हम अपना अलग कमरा लेके रहती हैं और बच्चे को पालती हूँ। अगर आपको हमारी यह खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज पंजाब केसरी दिल्ली को लाइक करें, और अगर आप हमारी यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोमल के साथ नीरज शर्मा की यह रिपोर्ट, पंजाब केसरी दिल्ली।